ट्रैक्टर देख रहे हो भाई, स्टेयरिंग भी वो चाइनी वाला लगा है, फोकस नहीं हो रहा। हाँ ये देखो भाई, डेक भी लगे हुए हैं, स्पीकर बड़े बड़े, दो बूफर, टायर्स के थोड़े छोटे हैं वो हम थोड़े बड़े डलवा लेंगे, और ये लिफ्ट भी है इसके साथ। तो यो गाइस, आज हम लेकर आ गए एक और न्यू वीडियो। तो भाई आज की वीडियो में हम अपने जो अपना फोर ट्रैक्टर है 3600, जो कि हमने इंडिया से इम्पोर्ट कराया है, वो ट्रैक्टर हम लेने जा रहे हैं, उसकी डिलीवरी आ जानी थी। तो भाई चलते हैं भाई, आज फोर ट्रैक्टर हमें मिलना था, हमने पेमेंट वेमेंट सब कर दी थी, कह रहे हैं हम जाज को छोड़ने आएंगे अपने बंदे, और थोड़ी पेमेंट हम रहती है वो कर देंगे। तो भाई चलते हैं सीधा, थोड़ा सा तेल तुल डलवा लें फिर चलते हैं ना। भाई तेल अपना डल गया है, पेट्रोल गाड़ी है तो पेट्रोल डलवा लिया हमने, कमी रहती है पेट्रोल की। तो भाई चलते हैं। वैसे भाई अपने पास एक और ट्रैक्टर खरीदने वाले थे हमने 8/11, लेकिन वो थोड़ा महंगा था, इसलिए हमने 4/3600 ले लिया। लेकिन वो भी अच्छा ट्रैक्टर है भाई, कोई नहीं। ये भी अपनी गाड़ी कैसी है भाई, कमेंटों में बताओ ये गाड़ी आपको कैसी लगी। ये भी 4x4 गाड़ी है, पूरी बढ़िया गाड़ी है, देख सकते हो आप। अगली वीडियो में हमें इस गाड़ी को माउंट से लीडर पर लेकर जाएंगे। मैं थोड़ा एक बार स्नाइपर से देख लूँ। नहीं नहीं भाई, वो खड़ा अपना फोर्ड और ये उनका जहाज जिसमें लेकर आए हैं, जेनुअन बंदे हैं, कोई नहीं जाकर देखता है। नहीं तो भाई भाई यहाँ पर तो सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा है, मैं चोरी भी नहीं करके ले आ सकता। चलो कोई नहीं, मैं अपनी गाड़ी यहाँ पर पार्क करता हूँ, थोड़ी सी बातचीत करता हूँ, फिर चलते हैं हम यहाँ। तो फाइनली भाई हमारी उनके बॉस के साथ बात हो गई है, जिसका ये इम्पोर्ट का बिजनेस है। तो भाई मैंने पैसे पूसे कर दिए हैं पेमेंट, और बाकी थोड़े से पैसे 10% बच रहे हैं, तो वो मैं कर दूंगा पेटीएम पर। तो भाई पहले तो जाके हम सीधा अपने खेतों में चलते हैं और इसकी देखते हैं टेस्ट ड्राइव। तो भाई साइड पर होकर दिखा दूं मैं आपको इसका सीन क्या है। ओ भाई साहब, ट्रैक्टर देख रहे हो भाई, स्टेयरिंग भी वो चाइनी वाला लगा है, फोकस नहीं हो रहा। हाँ ये देखो भाई, डेक भी लगे हुए हैं, स्पीकर बड़े बड़े, दो बूफर, टायर्स के थोड़े छोटे हैं वो हम थोड़े बड़े डलवा लेंगे, और ये लिफ्ट भी है इसके साथ। अपना सुहागा और हल खींचने में थोड़ा आसानी होगी। और भाई ये मड़मुड़ गार्ड ठीक है यार ट्रैक्टर, तो छतरी भी मैंने थोड़ा मॉडिफाई करवा लिया था इनको कह करी। और ये अपना फोर्ड 3600, भाई क्या क्या गजब लुक है यार इसकी सच में। तो ये थोड़े से इंडिकेटर भी हम अपग्रेड करवा लेंगे, बाकी सारा कुछ ठीक है यार। चलो तो हम चलते हैं एक बार। ओहो मैं अपने खेतों का रास्ता ही भूल गया था भाई, मैं अपना फ्रैंकलिन जाट हैं बोर्ड के ऊपर, थोड़ा सा अंदर का व्यू दिखा दूं मैं। ओहो हो, ये तो बस यहाँ से हमको लेफ्ट टर्न लेना है। हॉर्न वॉरन नहीं यार इसका, ठीक हॉर्न भी अपग्रेड करेंगे, साइड हो जाओ। तो भाई हम खेतों में आ गए, वो है सामने अपने खेत, और ये भी अपनी खेत है, यहाँ पर वर्कर लगे हुए हैं काम करने, और हम आ गए भाई डेस्टिनेशन पर। तो भाई हो भाई, ये तो मैं दब नहीं रहा यार, देखो 4x4 नहीं है, लेकिन फिर भी ये ट्रैक्टर बहुत अच्छा है भाई। थोड़ा सा मैं एक बार दिखा दूं, फाइनली भाई हमें ट्रैक्टर मिल चुका है। तो भाई सही है यार ट्रैक्टर, तो थोड़ा सा मॉडिफाई कराने के बाद अच्छा लगेगा। तो हम ये वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, अगली वीडियो में हम इस ट्रैक्टर को मॉडिफाई करवाएंगे और माउंट चिलियाड पर लेकर चलेंगे। तो भाई अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक को सब्सक्राइब करना मत भूलना। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।